नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के मुगमा में पकड़ा 3 अवैध कोयला ट्रक लदा कोयले के अवैध कारोबारियों में हड़कंप। निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा स्टेशन रोड के समीप पश्चिम बंगाल के सोदपुर एरिया का सीआईएसएफ एवं ईसीएल सांगतोड़िया हेडक्वार्टर का टास्क फोर्स ने कोयला लदा 3 ट्रक बुधवार की देर शाम पकड़कर स्टेशन रोड मुगमा में निरसा थाना को सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ कमांडेंट तुषार कुमार को सूचना मिली कि स्टेशन रोड मुगमा से अवैध कोयला को ट्रकों में लादकर अन्यत्र भेजा जा रहा है। टीम कोयला लदा ट्रक को रोककर कागजातों की मांग की, परंतु ट्रक चालक कागजात दिखाने के बजाय ट्रक छोड़कर भाग निकले, जिससे टीम को शक हुआ कि ट्रकों में अवैध कोयला लदा हुआ है। जब टीम ने ट्रकों पर लदे कोयले की जाँच की तो एक ट्रक में स्लेक और 2 ट्रकों में स्टीम कोयला लादा गया। ज्ञात हो कि मुगमा स्टेशन रोड व उसके आसपास कई भट्टों से बृहद पैमाने पर अवैध कोयला लदा ट्रक पश्चिम बंगाल एवं बिहार भेजा जा रहा है। हालांकि निरसा थाना प्रभारी से इस मामले में पूछे जाने पर उन्होंने इस मामले में टालमटोल जवाब दिया। सूचना पाकर ईसीएल मुगमा सीआईएसएफ टीम ईसीएल सुरक्षा टीम पहुंची, जबकि टीम द्वारा निरसा पुलिस को सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। निरसा संवाददाता मजीद खान की रिपोर्ट।